हाँ चेयरमैन साहब बोल रहा हूँ जी ये आज रमाला सहकारी चीनी मिल का शुभारंभ हुआ। ओडीएम साहब ने जो है विधिवत हवन उपरांत जो है चैन में गन्ना डाल के शुभारंभ किया गया, इस संबंध में आपका क्या कहना? देखो, नए सत्र की ये शुरुआत है जी और ये जितने भी फॉर्मेलिटी करी गई जी ये नए सत्र की शुरुआत में, उसमें जो बैलगाड़ी है उसका पूजन करना, ट्रैक्टर जी ट्राली है, चैन में जी गन्ना डालना, ये एक प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत सत्र की, नए सत्र की शुरुआत ये हो गई आज से। गन्ना नया नए गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ आज हुआ। इससे किसानों के खुशी बढ़ी हुई है। इसमें पहले से आज का नया गन्ना पेराई सत्र का कुछ पहले शुभारंभ किया गया। देखो, ये पिछले काफ़ी जी समय से क्या, अक्टूबर में कभी भी शुगर फैक्ट्री, मेरे ख्याल से कभी एक बार का ऐसा संयोग हुआ हो तो मैं कहता नहीं, अक्टूबर में पहली बार ये फैक्ट्री यहाँ पे नए सत्र की शुरुआत हो रही। निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा, 15 दिन पहले फैक्ट्री का चलना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जोत कम है किसानों की, तो वो ही फसल काट ली और उसी में बो ली, तो इसका सीधा सीधा 15 दिन पहले चलने का मतलब ये है कि जो गेहूं की फसल है वो 15 दिन पहले पिछले गत उसकी अपेक्षा पहले बुआई होगी, तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलेगा। नहीं, जैसे चेयरमैन साहब, किसानों का अधिकतर मारामारी पर्चियों की तब होती है जब रबी की फसल बुआई का समय आता है। जी क्या इस बार भी ऐसी भागदौड़ रहेगी किसानों के प्रति, या इसका कुछ सुधार किया जाएगा? नहीं, जो देखो, जो गन्ने की जो आवंटन हुआ जी वो अच्छे ढंग से हुआ और सभी प्राइवेट फैक्ट्री भी जितनी है वो भी समय पे इस बार चल रही है। जी मेरे ख्याल से पांच नहीं नवंबर तक लगभग सभी फैक्ट्री चल जाएंगी। जब फैक्ट्री सभी इतनी जल्दी चल रही तो वो मारामारी बिल्कुल नहीं होने की। और चलो। रही बात ये थोड़ी सी किसान के अंदर ये बेचैनी, तो देखो किसान है रहेगी कि भाई कितना जल्दी हमारा गन्ना निकले। सही बात है, ये मेरी पर्ची हाँ, पहले आ 15 दिन पहले जाए। चलने का मतलब यही है, सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इस पर इस बात का ध्यान रखा, दबाव भी जी दिया जी कि जी भाई गन्ने जो फैक्ट्री है वो जल्दी चले, और जी जल्दी जी जी चलने का यही है कि किसानों की इस तरीके की समस्या ना हो। जी एक वो इस क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा विधानसभा क्षेत्र छपरौली को यह भी मिला कि इस मिल को वर्धा क्षमता जो बढ़ाई गई और साथ में एक बिजली प्रोजेक्ट अलग से बनाया गया। तो इस सरकार के इस कार्रवाई से आप क्या देख रहे हैं इस देखो, क्षेत्र के? बिल्कुल निश्चित रूप से कोई कहने की बात नहीं है, बीजेपी सरकार, योगी जी, हमारे गन्ना मंत्री डॉक्टर सतपाल जी, सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा काम ये क्षेत्र के लिए है। देखो, हमारी हमारे जो यहाँ के किसान हैं इनकी जीविका है गन्ना, जी, मुख्य तो फसल हाँ गन्ना मुख्य है। फसल है, तो और गन्ना जाता है शुगर फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री है काफी पुरानी और जर्जर, तो पिछले 20 साल से किसान संघर्ष कर रहे थे। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब तो इसमें जो हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड का कार्यकाल के बाद में ही वो सरकार गई, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन किसी ने कोई बात सुनी नहीं। और बीजेपी सरकार ने सबसे पहला काम सरकार बनते ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में रमाड़ा चीनी मिल का एक्सपेंशन, क्षमता वृद्धि का कार्य किया, इसमें को जनरेशन भी है बिजली का प्लांट, तो ये बहुत बड़ी बात है इस क्षेत्र के लिए, और इसके लिए हम सरकार को भी और जिन लोगों का भी इसमें योगदान रहा, सभी जी। का, किसानों की तरफ से, इस बोर्ड की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। तो ये जो वर्धा क्षमता नया प्लांट के, ये कब तक तैयार हो जाएगा सर? ये इसकी जो जो समय सीमा रखी गई वो 18 मार्च रखी गई। प्रयास ये है उस कंपनी की तरफ से भी, उत्तम कंपनी है जो इसको इसका एक्सपेंशन का कार्य कर रही है, और अधिकारियों का भी दबाव है, हमारा भी प्रयास यही है कि इसको फरवरी में इस फैक्ट्री का जो कार्य है वो पूर्ण हो गए और 1 अप्रैल मार्च तक इसको चला दिया जाए।